नमस्कार दोस्तों, मैं रामविलन विश्वकर्मा। मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मैंने 2023 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर चुका हूं और मैं आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर पूरा पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति क्या है जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ शिक्षण अभिवृत्ति, इसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है शिक्षण में, देखिए अवधारणा हम लोग पढ़ेंगे, उद्देश्य जानेंगे, शिक्षण का स्तर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए स्तर में स्मरण, समझ स्तर जिसे हम बोध कहते हैं, विचारात्मक जिसे हम चिंतन कहते हैं, फिर से मूल जो है अपेक्षाएं, ये शिक्षण की हो गई है। इसके बाद शिक्षार्थी की विशेषता क्या होती है, शिक्षार्थी की विशेषता हम किशोर और वयस्क शिक्षार्थी क्या होते हैं, इसके अंदर हमको पढ़ना है शैक्षणिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नता। जो शिक्षण होता है उसमें प्रभाव तत्व है शिक्षक, उसके बाद से सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधा क्या मिल रहा है, शैक्षणिक वातावरण क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, अध्यापक केंद्रित पद्धति होता है और शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन, ये फिर से स्वयं क्या, स्वयं प्रभा क्या, मुक्त क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत और आधुनिक ICT, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद से मूल्यांकन प्रणाली जिसमें उन शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धतियों में नवाचार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे शिक्षा और शिक्षण क्या है। शिक्षण का मूल अर्थ जानेंगे, इसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, किसी को हम नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी को ज्ञान दे रहा है उसी को हम कहते हैं शिक्षण। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको शिक्षा दे रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आ रहा बेहतर ढंग से। हम पहले ये जान ले कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो है किस शब्द से बना, शिक्ष से बना, किससे बना ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं अपने। जैसे कि हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं हमको अच्छी जानकारी मिल जाती है, आपको पहले कुछ नहीं आता था, आपने शिक्षण किसी क्लास में लिया, आपने शिक्षा प्राप्त किया, अब आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त हुए हैं, तो आपके संस्कार और व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे जैसे आपका शिक्षा ग्रोथ होगा, आप समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी जीव के लिए, नेचर के लिए आप एक बेहतर योगदान दे सकेंगे। शिक्षा का उद्देश्य शिष्यों के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हम ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक अध्यापक या अध्येता होता है। तो देखिए जो शिक्षा देता है, जैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, तो मैं एक शिक्षक हूँ या अध्यापक हूँ या अध्येता हूँ। तो शिक्षक का मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करना होता है। जैसे देखिए मैं आसानी से आपको चीजों को समझा दूं, इसी को हम कहते हैं शिक्षक। और जब शिक्षक अच्छा कार्य करता है तो शिक्षण बेहतर हो जाता है। अगर शिक्षक अच्छा कार्य नहीं करेगा तो शिक्षण क्या हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा और आप सहज पूर्वक चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आगे दिया शिक्षा के अर्थ को दो रूपों में हम समझ सकते हैं, जो दो रूप है, व्यापक है और संकुचित। तो देखिए व्यापक और संकुचित ये पूछता है एग्जाम में अक्सर, इसका अर्थ क्या होता है, व्यापक शिक्षा क्या होता है, संकुचित क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है जैसा कि हम जानते हैं, अगर व्यापक रूप में समझे तो जहां से हमारे ज्ञान में समृद्धि हो सके उसे हम व्यापक शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगर आपके व्यक्तित्व का बेहतर से बेहतर विकास होता है तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कहलाता है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, हम जीवन प्रयत्न कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब हम पैदा होते हैं सबसे लेकर अपने मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल होता है। अगर ऐसा समझा जाए तो हम लोग जीवन प्रयत्न कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कोई व्यक्ति हमको शिक्षा दे जाता है या शिक्षा ले जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है वहां दूसरों को कुछ ना कुछ सिखा देता है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई ऐसा छात्र है जो हमसे कमजोर है, लेकिन आपसे वो किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में बेहतर हो सकता है। कभी भी मत ये सोचिए कि आप शिक्षा ज्यादा ग्रहण किए, ज्यादा पढ़ लिए हैं तो आपसे जो कम पढ़ा लिखा है वो आपसे कमजोर होगा। हर एक इंसान अपने आप में किसी ना किसी क्षेत्र में परफेक्ट। जीवन की कुछ छोटी से छोटी घटनाएं भी हमें क्या करती हैं, शिक्षा देती हैं।
संकुचित शिक्षा क्या कहलाता है कि बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट विषयों पर हम पढ़ाई कर रहे हैं और एक साल दो साल में कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और वो भी हम कहाँ से, किसी संस्थान से कर रहे हैं, तो उसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन। ये 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मक, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि हम जब भी किसी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसमें हम बेहतर ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास करें, इसके बारे में डेलोर कमीशन भी बोलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मानवाधिकार, अगर देखिए आप मानवाधिकार का हनन करते हैं तभी अच्छा आप शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व में अच्छा योगदान दीजिए, सामाजिक समानता, ऊंच नीच की भावना खत्म कीजिए, लोकतांत्रिक भागीदारी में हिस्सा लीजिए और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा शिक्षा प्राप्त किए हैं तो बेहतर ढंग से इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो देखिए औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है शिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना। अभी मैंने आपको ऊपर जितना पढ़ाया वो शिक्षा के बारे में, ये शिक्षण के बारे में, शिक्षण से ही शिक्षा प्रदान किया जाता है जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका था। तो औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार का होता है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले हम समझते हैं अनौपचारिक शिक्षा, तो परिवार और समुदाय से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है आरंभिक वर्षों में जब हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे और समुदाय में किसी समाज में रहते हैं तो उस समय जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है, वहां पर आप गांव में रहे होंगे, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थानों में जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी शिक्षक के माध्यम से कोई टीचर हमें पढ़ाता है, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षा में आपको कभी भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप समाज और परिवार से सीखते हैं, लेकिन औपचारिक में शिक्षण संस्थान होता है जहाँ पर एक शिक्षक पढ़ाता है, वहाँ पर कुछ आपको शुल्क पे करना पड़ता है। वर्तमान समय में देखा जाए परिवार और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा जो है क्या होती जा रही है, औपचारिक होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो पहले हेडिंग के माध्यम से समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। ये इसका उद्देश्य होता है कि आप पूर्ण दिशा में अच्छे तरीके से आप लर्निंग करो और सीखो। सेकेंड हेडिंग है शिक्षण, तो शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखिए जब भी कोई शिक्षण संस्थान में शिक्षक पढ़ाता है तो जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो शिक्षक के पास कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है, वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है, वो बीएड एमए किया होता है, एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, तो वो जब पढ़ाएगा तो स्टूडेंट में क्या होगा, स्थायी रूप से परिवर्तन होगा, बेहतर तरीके से परिवर्तन होगा। तीसरा पॉइंट है शिक्षण ज्ञान अनुभव वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। तो देखिए हमेशा जो शिक्षण होता है, जब भी कोई इसमें टीचर पढ़ाता है तो उसमें उसके पास क्या होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, अब वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता होती है, वो अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। इससे हम विद्यार्थी जो होते हैं, जो भी स्टूडेंट होता है, उसको सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं, जैसा वो चाहे। मान लीजिए आसान भाषा में वो सीखना चाहे तो आसानी से हम उसे बताएंगे, उसको और मध्यम क्वालिटी या कठिन से कठिन चीजों को समझना है तो वैसे हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर तो उसे बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। देखिए हम कभी भी योजना बना के पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो जब भी शिक्षण में कोई टीचर पढ़ाता है एक साल या दो साल तो उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, किसमें, शिक्षार्थी में बदलाव देखने को मिलता है। अगर वो बदलाव सुगमता और सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करता है तो इसका मतलब जो है जो शिक्षण का योजना बनाया गया वो गलत है। मैंने योजना बनाया कि आपको बेहतर बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूं ताकि आप पेपर में जब समझे रहेंगे, रटे नहीं रहेंगे, तो चीजों को सुगमता, सरलता से, शुद्धता से, स्पष्ट रूप से आप करके आएंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट यही समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं आते हैं, ये अवधारणा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सम कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू टीचिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे हम
बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें पहला जो हेडिंग आता है अलीगढ़ के, शिक्षण के तीन आधार हैं, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए जानते हैं शिक्षण के तीन आधार क्या है। शैक्षणिक प्रक्रिया को तीन प्रश्नों के आधार पर तय किया जाता है। तीन प्रश्न है क्या, तो जैसे कि शैक्षणिक प्रक्रिया में क्यों, कैसे और क्या, ये तीन जो पिलर हैं। क्यों का उत्तर होता है सबसे महत्वपूर्ण, दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है इसका, ये क्यों दर्शन शास्त्र है। और कैसे का उत्तर मनोविज्ञान से, और क्या का उत्तर समाजशास्त्र के द्वारा दिया जाता है। तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, क्यों, कैसे, क्या, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संक्षेप में कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। शिक्षण से संबंधित दूसरा अवधारणा जो आदर्शवाद, आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीन वादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में जीवन प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। आगे समझते हैं आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक आत्म अनुभूति, अनुशासन, ठीक है, उन्नयन पर बल देता है। ये देखिए डायरेक्ट ऐसे आपको उठा के दे देगा, ये जो डायरेक्ट है ना ऐसे शब्द दे देंगे पेपर में, आप वहां पर पूछते रह जाएंगे कि हमने इसे तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। आप आसान से आसान शब्दों को हमेशा देखने की कोशिश करते हैं पेपर में कि हमको आसान मिल जाए, उसका अर्थ हमको समझ में आए। तो ऐसे जब आप इसे आदर्शवाद को पढ़े रहेंगे ये शिक्षण की अवधारणा में, तब ना इसे आप हल कर पाएंगे। इसके बाद संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना इसकी मुख्य कमियां रही हैं। तो देखिए आदर्शवाद में जो होता है अध्यापक से हम लोग क्या करते हैं, अधिक आशाएं कर लेते हैं कि हमको बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर समझाएंगे। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो किसी एक स्टूडेंट या एक पर्सन को फॉलो करता है, अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, वो सर्वांगीण विकास करने की कोशिश नहीं करते हैं लोग, एक लोगों को आदर्श मान लेते हैं कि यही हमारे लिए है। देखिए आप फॉलो कीजिए सबको, स्टूडेंट को, तब वो बेहतर शिक्षा हो सकती है। नहीं तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान को या स्टूडेंट को फॉलो करते हैं, किसी टीचर को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी हो गई, सर्व शिक्षा की अवहेलना हो गई। आप अवहेलना कर ही रहे हैं, आप किसी शिक्षा को बेहतर ढंग से देने की कोशिश तब कर सकते हैं ना जब 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझाइए, तब ना आपकी सर्व शिक्षा सर्वांगीण विकास करेगा। तो ये कमियां रही हैं, अधिक आशा स्टूडेंट कर लेते हैं, कमजोर उनकी टीचिंग विधि होती है, किसी स्टूडेंट को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। सबसे संक्षेप में आपको ये याद रखना है, जैसे कि मैं आपको बोला था संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें ट्रूथ, गुडनेस और क्रिएटिविटी। देखिए अगर आप सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ और अलग करने की कोशिश करते हैं, कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट है, तो वो अच्छा विकास करेगा किसी भी व्यक्तित्व का, अपना भी और किसी समाज के लिए भी। शिक्षण की अवधारणा में तीसरा हेडिंग है प्रकृतिवाद। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, प्रकृति को ही शिक्षा मान लिया गया है कि ये जो है नेचर द्वारा ही सिखाया जाएगा, प्रकृति हमको जो सिखाएगी वही शिक्षा है, इसी को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल स्वरूप समझ सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है तो पेड़ पर चढ़ेगा, फिर से गिरेगा, दोबारा वो चढ़ने की कोशिश करेगा, सही तरीके से चढ़ेगा, या उसको फील हो जाएगा कि ये मेरे लायक नहीं है, तो प्रकृति ने उसे क्या किया, सिखा दिया। उसमें किसी शिक्षा की जरूरत नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें जो शिक्षा प्रदान की गई प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये एक प्रकार का शिक्षार्थी केंद्रित है, इसमें कोई टीचर नहीं होता, प्रकृति ही टीचर होता है। तो खुद आप पर प्रभाव पड़ेगा, आप गिरे, चोट लगा, फिर से आप खुद सीखेंगे, तो उसमें कौन कर रहा है, कौन सीख रहा है, किसको चोट लग रही है, ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के साथ होती है। इसीलिए वो शिक्षार्थी केंद्रित कहलाता है। प्रकृति जो शिक्षा होती है ये क्या होती है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है। देखिए एक प्रश्न यहाँ ऐसे ही बन गया कि प्राकृतिक शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, तो ये क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, हेरिस्टिक और साथ ही डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधि जो है ये प्राकृतिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। प्रयोजनवाद, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है चलिए आपको बता देता हूँ। तो मुख्य प्रतिपादक जो है जॉन डेवी है प्रयोजनवाद के, और इसके अंतर्गत क्रियाशीलता, व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो परियोजनावाद में कौन सा स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्रियाशील रहना, व्यवहारिक रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है परियोजनावाद में। इसको प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म कहा जाता है। आपको पता होगा किसी चीज को हम बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार पढ़ते हैं
और किसी चीज को जब अलग अलग रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं उसी को हम प्रयोगवाद भी कहते हैं, बार बार प्रयोग करना। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया, तो ये कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अमेरिका से हुई है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं होता। तो देखिए हम पहले ही अवधारणा दिमाग बना दें ऐसा रिजल्ट आएगा, हम इस बार इतनी तैयारी कर ली है, हम इतना क्वेश्चन सही करके आएंगे, 50 में 40 मार्क आएंगे, तो ये एक अवधारणा एक आप बना लेते हो, पहले ही निश्चित कर लेते हो, पहले ही मान लेते हो कि ये चीज ऐसा होगा। तो इसको महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब इसमें रिजल्ट आपका एकदम सही आ जाए, जब आप प्रयोग करके उस पर सिद्ध कर दो कि ये चीज है, यही बन के तैयार हुआ, तब मतलब रिजल्ट आने के बाद से आप किसी चीज को बताते हो तो सही है। रिजल्ट आने से पहले आप अच्छा कर लो तो इतना आएगा, ये होगा, इतना हम क्वेश्चन सही करके आएंगे, तो ये प्रयोजनवाद में नहीं आता। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। जैसे मैं बोला हूँ, जितना आप करोगे, जितना आप प्रयोग करोगे, उतना आपको पता चलेगा कि आप कितने करीब हो, लेकिन आप कन्फर्म नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप कितना सही कर सकते हो जिस नेट फर्स्ट पेपर में। तो आप जब रिजल्ट आएगा, जैसे 50 में आपने 30 किया, आपने अपेक्षा की थी 35 की, या आपने 35 की थी 40 ही किया, तो ये क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पर जितना पढ़े हो, जो आपको रिजल्ट मिला लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, उसके आधार पर इससे अनुभूति होता है, हमें ये प्राप्त होता है क्योंकि प्रयोग करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करने से हम बेहतर कर सकते हैं, अपने रिजल्ट में सुधार ला सकते हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं क्रियात्मक विद्यालय एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का आरंभ हुआ था। पांचवा हेडिंग है अस्तित्ववाद, और इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है, किर्केगार्ड हैं, आपको याद रखना, जिनका यह मानना था कि मेरा अस्तित्व क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा अस्तित्व ऐसा ही है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपने कहा कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, तो आप ऐसा हैं क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा कर्म किए तभी तो आप ऐसे हैं। अस्तित्व को बनाए रखने का पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसा तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्तित्व को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र यही है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि छात्रों में मौलिक सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में क्या बने, सहायक बने। तो देखिए शिक्षक यहाँ पर क्या करेगा, शिक्षक का मेन काम होता है कि आपको मौलिकता में और सृजन शक्ति में, सक्रियता, मानवतावाद में एक सहायक के रूप में काम करेगा। और आपके अंदर अगर किसी चीज का विकास करना, मान लो आपने सपोज किया कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, तो आप साइंस को बेहतर तरीके से समझेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करवाएगा, तब आप बेहतर तरीके से समझेंगे, तब आप सोचेंगे कि मैं हाँ साइंटिस्ट हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ। तो इसका मूल मंत्र यही होता है कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा सोचना पड़ता है, अपने लक्ष्य को क्या करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लक्ष्य पर हमेशा अटल रहना पड़ता है, तभी आपके अंदर अस्तित्ववाद का विकास होता है। छठवां और लास्ट है शिक्षण अवधारणा का योग। चलिए योग के बारे में समझते हैं। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, और योग का रचयिता कौन है, ऋषि पतंजलि योग शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। योग मन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का विद्या है, यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसके 8 घटक होते हैं, यम, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, नियम, ऑब्जर्वेशन जो होता है, आसन पोस्चर बना करना, प्राणायाम, आप ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, प्रत्याहार, धारणा, माइंड स्टडी, ध्यान और समाधि, मेडिटेशन। इसके माध्यम से आप योग के घटकों का अनुसरण करके अज्ञान को दूर किया जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अगर मिस्टेक हुआ होगा तो क्षमा जरूर कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।